alaikum Hello everyone. In this lecture, we are going to study about functions, floor function and ceiling function. So let's begin with the definition of floor function and ceiling function. Definition here: the floor function assigns to a real number x the largest integer that is less than or equal to x. The value of floor function or at x is denoted by दिस डिसन सो हम समझ लेते हैं कि फ्लोर फंक्शन क्या है और सीलिंग फंक्शन सबसे पहले तो यहाँ पे इंटीजर और रियल नंबर का कंसेप्ट हम देख लेते हैं रियल नंबर हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है वो रियल नंबर पॉइंट में वैल्यू भी आ सकती है डेसिमल नोटेशन आ सकती है फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ सकती है लेकिन इंटीजर जो वैल्यू होती है वो हमेशा उसका डेसीमल पार्ट नहीं होता वो हमारे पास इस फॉर्म में नंबर्स आएंगे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ठीक है होल नंबर्स ये सारे जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं जिनका डेसिमल पार्ट नहीं होता ठीक है अब वो कहते हैं कि जो फ्लोर फंक्शन है रियल नंबर का वो उसको लार्जेस्ट इंटीजर असाइन कर देता है जो लेस देन और इक्वल टू होता है उस नंबर एक्स से और इसको लिखने की नोटेशन क्या है इस तरह ये फ्लोर फंक्शन की नोटेशन है अब हम इसका फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं फिर इसको समझ लेते हैं कि फ्लोर फंक्शन होता क्या है ठीक है फ्लोर फंक्शन अब अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करूँ जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन ठीक है अब अगर आप देखें थ्री पॉइंट सेवन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसको हम क्या कहते हैं थ्री पॉइंट सेवन अब अगर फ्लोर देखें फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू ठीक है तो आपने क्या करना है थ्री पॉइंट सेवन से पीछे देखना है कि जो इंटीजर होगा इंटीजर वैल्यू अब इससे पीछे इंटीजर थ्री भी है टू भी है वन भी है ठीक है लेकिन उन्होंने कहा कि दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर कि जितने पीछे इंटीजर हैं इससे उसमें सबसे बड़ा वो क्या है थ्री और इस वैल्यू से छोटा और पीछे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा तो इसका बेटा जो फ्लोर फंक्शन क्या आएगा थ्री ठीक हो गया और अगर इसका मैंने सीलिंग फंक्शन लेना होगा तो सीलिंग का मतलब होता है जितनी बड़ी वैल्यू है उनमें सबसे छोटा अब इससे बड़ी वैल्यू होंगी फोर फाइव सिक्स सेवन एट वो सारी वैल्यूज लेकिन उसमें सबसे छोटा क्या है फोर अगर मैंने थ्री पॉइंट सेवन का फ्लोर फंक्शन लिखना है तो उसको मैं इस तरह लिखूंगी और इसका फ्लोर फंक्शन आएगा फोर ठीक है इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन से हम इसको दोबारा समझते हैं कि क्या है कि वो कहते हैं कि फ्लोर फंक्शन किसी भी रियल नंबर का रियल नंबर कोई भी डेसिमल में आ सकता है फ्रैक्शन में आ सकता है किसी भी तरह की नोटेशन आ सकती है ठीक है एक्स का इज़ दी लार्जेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर हो जो लेस देन हो और इक्वल टू हो एक्स से अब जो भी आपको एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वन पॉइंट टू दिया गया है वन पॉइंट टू वन और टू के दरम्यान में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे ये नंबर एग्जिस्ट करेगा वन पॉइंट टू ठीक है और कहते हैं कि लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा हो जो छोटा हो इस नंबर ये हमारे पास एक्स है इससे छोटा हो और बाकी अब देखें ये इससे ये सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं वन भी इससे छोटा है जीरो भी छोटा है माइनस वन माइनस टू ये सारी वैल्यूज इससे क्या हैं वन पॉइंट टू से छोटी हैं लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी छोटी वैल्यू है उनमें क्या है ग्रेटेस्ट उनमें सबसे बड़ा तो जितनी छोटी वैल्यू उनमें सबसे बड़ा क्या है वन तो इसका फ्लोर फंक्शन क्या आएगा वन और अगर मैंने इसका सीलिंग लेना है वो कहते हैं कि जो सीलिंग फंक्शन सीलिंग फंक्शन असाइन टू रियल वैल्यू नंबर रियल नंबर एक्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर डैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स अब एक्स से जितने अब ये मेरे पास वैल्यू जो एक्स है वो है वन पॉइंट टू ठीक है वन पॉइंट टू से बड़ी वैल्यूज ये सारी वैल्यूज बड़ी हैं इससे टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑन ये सारी वैल्यूज इससे क्या है बड़ी वो कहते हैं कि जितनी बड़ी वैल्यूज हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर उसमें सबसे छोटा तो इसमें आप देखें इंटीजर कौन से वाला है टू थ्री फोर ये सारे इससे बड़े हैं लेकिन उसमें सबसे छोटा कौन सा है टू इसका अगर मैं सीलिंग कैलकुलेट करूंगी तो वो टू आएगा और अगर इसका फ्लोर कैलकुलेट करूंगी तो वो वन आएगा ठीक है सीलिंग फंक्शन को हम इस तरह इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं इनकी नोटेशन ये हैं सीलिंग की और फ्लोर की ठीक है फ्लोर फंक्शन की इस तरह रिप्रेजेंटेशन है और सीलिंग फंक्शन की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है अब इस फंक्शन को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं रिमार्क वो दे रहे हैं हमें द फ्लोर फंक्शन इज ऑफन कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है फ्लोर फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से भी होती है ठीक है तो कुछ एग्जांपल हमें दे रहे हैं वन बाय टू वन बाय टू आप देखें हम इसको लिखते हैं पॉइंट फाइव और उन्होंने कहा है फ्लोर फंक्शन ठीक है फ्लोर फंक्शन अब पॉइंट फाइव एग्जिस्ट कर रहा है जीरो और वन के दरमियान कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जीरो और वन के दरमियान अब जीरो से पीछे की तरफ कौन सा इंटीजर है वो क्या है जीरो तो इसका फ्लोर फंक्शन क्या आ गया ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट देखें वन बाई टू का जो क्या है पॉइंट फाइव इसका मैंने सीलिंग फंक्शन लेना है तो ये वन और जीरो के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है कहां पे जिसका रहा है जीरो और वन के दरमियान अब जीरो पॉइंट फाइव से आगे की तरफ कौन सा इंटीजर है माइनस वन बाय टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव इसका मैंने लेना है फ्लोर फंक्शन ये जीरो है ये माइनस है ठीक है यह पॉइंट फाइव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है माइनस जीरो जीरो और माइनस वन के दरमियान अब फ्लोर का मतलब होता है कम वैल्यू आप देखेंगे कि इस साइड पे वैल्यूज डिक्रीज होंगी इस साइड पे वैल्यूज इंक्रीज होंगी तो इससे कम वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी माइनस वन इसका फ्लोर फंक्शन क्या आएगा माइनस वन और अगर इसका मैं सीलिंग देखूँ तो वो क्या आएगा जीरो ठीक है इसी तरह थ्री पॉइंट वन का फ्लोर फंक्शन थ्री आएगा इसका सीलिंग फंक्शन फोर आएगा और सीलिंग और फ्लोर फंक्शन किसी भी इंटीजर का वही वाला इंटीजर ही आता है मतलब अगर आपको कोई इंटीजर दे दिया गया है जैसे सेवन नाइन इसका आपको कहा गया कि फ्लोर फंक्शन बताएं या सीलिंग फंक्शन बताएं तो वो ये इट इंटीजर ही आएगा ठीक है इसका आंसर यही वाला इंटीजर ही आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल है कि वन बाय टू ये वही वाली एग्जांपल्स हैं जो हमने सिंपलीफाई की कि आपने बताना है कि फ्लोर फंक्शन क्या है वन बाई टू का ज़ीरो है सीलिंग फंक्शन इसका वन है माइनस वन बाय टू का माइनस वन है और आगे इन सारे फंक्शंस को सिंपलीफाई किया हुआ है सीलिंग और फ्लोर को अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सीलिंग फंक्शन की और फ्लोर फंक्शन की एम सी क्यूजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये कुछ रिजल्ट्स जो हैं इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर एन हो मतलब एन हमने कोई एक इंटीजर ले लिया और एक्स कोई रियल नंबर है अगर मैंने एक्स का फ्लोर फंक्शन लेना है ठीक है एक्स का मैंने फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो वो एन आएगा कोई एक इंटीजर आएगा अगर एन उस x से छोटा होगा ठीक है और जो x है वो n प्लस वन से छोटा मतलब दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसी तरह फ्लोर फंक्शन के लिए माइनस एन माइनस वन और लेस देन एन की कंडीशन है ठीक है तो ये चार कंडीशन है उसके बाद है कि एक्स माइनस वन जो है वो कम छोटा होता है उसके फ्लोर फंक्शन से और लेस देन होता है एक्स से और ग्रेटर देन एक्स जो आ, मतलब एक्स का सीलिंग फंक्शन है वो एक्स से बड़ा होता है ये आप ज़रा देखें अगर मैं एक्स की वैल्यू लूँ थ्री पॉइंट टू ठीक है इसका फ्लोर फंक्शन इसका फ्लोर फंक्शन आएगा थ्री इसका सीलिंग फंक्शन आएगा फोर तो जो सीलिंग फंक्शन है वो एक्स से बड़ा है ठीक है और फ्लोर फंक्शन है वो एक्स से छोटा है और एक्स माइनस वन इससे इसके सीलिंग से छोटा होगा अब देखें इसमें से अगर मैं माइनस वन करूं, तो ये टू आएगा ठीक है तो टू टू इस थ्री से भी छोटा है और अगर इसमें मैं प्लस वन करूँ तो ये आएगा फोर पॉइंट टू ठीक है जो इससे बड़ा है ठीक है तो ये वाला रिजल्ट है सेंकट वाला नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम फ्लोर फंक्शन लें तो वो उसके सीलिंग फंक्शन के नेगेटिव के बराबर आता है अब इसकी एग्जांपल देखें अगर मैं टू पॉइंट वन लिखूँ और उसका फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करूं 2.1 का फ्लोर फंक्शन क्या आएगा आएगा ठीक है इसका जो फ्लोर फंक्शन होगा वो क्या आएगा? -3. और अगर मैं एक्स मेरे पास टू पॉइंट वन है इसका सीलिंग कैलकुलेट करूं और उसके साथ माइनस लगा दूं अब माइनस टू पॉइंट वन का सीलिंग है थ्री और उसके साथ माइनस लगाऊं तो आप देखें ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है इसी तरह फ्लोर की के कंडीशन है और फिर सीलिंग की कंडीशन है कि अगर सीलिंग फंक्शन का नेगेटिव मतलब माइनस एक्स का आप सीलिंग फंक्शन लें और वो इक्वल किसके आएगा फ्लोर फंक्शन के नेगेटिव मतलब फ्लोर फंक्शन के साथ जब आप नेगेटिव लगा देंगे नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो है कि अगर कोई इंटीजर एक्स में प्लस हो रहा होगा तो हम उस इंटीजर को सेपरेटली अगर ऐड करेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे तो इसको हम करके देखते हैं कि अगर मैं सीलिंग फंक्शन लूँ थ्री पॉइंट टू उसमें कोई इंटीजर मैं ऐड कर रही हूँ लेट्स सपोज कि वो इंटीजर टू है एन ठीक है अब कहते हैं कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं थ्री पॉइंट टू का फ्लोर फंक्शन लें और उसमें ऐड कर दें टू को ये दोनों आपस में बराबर आएंगे इसको करके देखते हैं इसको अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा फाइव पॉइंट टू इसका फ्लोर कैलकुलेट करूंगी तो फाइव आएगा और इधर से अगर मैं इसका फ्लोर कैलकुलेट करूंगी तो थ्री आएगा थ्री में टू को प्लस करूंगी तो ये फाइव आएगा तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है कि अगर आप किसी भी रियल नंबर में कोई इंटीजर प्लस करते हैं तो उसका आप अलग से सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करें और उसमें इंटीजर प्लस करें तो वो दोनों आपस में क्या आते हैं इक्वल आते हैं ठीक है और इसमें आपने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्राई करने एम सी क्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है